जानना चाहेंगे किस तरह के बोल है इसमें। लिरिक्स यार थोड़ा सा जो है वो पैथोस है, और उसमें जो कहानी है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा पैथोस है वो, और पैथोस जो है वो हमेशा चलता है, और क्योंकि उससे हर आदमी जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, तो वैसा ही गाना है तो लोगों को पसंद आएगा ऐसा लग रहा है। करण भैया से मैं इसी साल में कनेक्ट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि इनके प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाऊँ, और ऊपर वाले का करम था कि तुराज साहब जैसे लोग हमसे पहली मर्तबा में ही जुड़े जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी कहने में अगर कहूँ कि इनके गाने मिसाल की तरह हैं। और ये जो दुआएँ हैं बहुत प्यारा गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी, और बेशक लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। एक मिडिल क्लास कहानी है, एक मिडिल क्लास लड़का और लड़की की कहानी है कि जब लाइफ में आप किसी को खो देते हो, व्हेन यू लूज समबडी इन योर लाइफ, और वो इंसान जब सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान होता है तो एक कितना बड़ा लॉस वो लाइफ में देखता है। और करण भाई हैं, करण भाई ने जो प्रोजेक्शन शुरू से किया है, पहले दिन से किया है, उनका मानना यही है कि जो मज़ा 90s के म्यूज़िक में था, जो 2000 के म्यूज़िक में था, उसको एक रेवोल्यूशन की तरह हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और राइजिंग इंडी म्यूज़िक इसी तरह के गाने, इसी तरह का संगीत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहेगा। बिल्कुल, इसी के साथ आगे किस तरह के गाने देखने को मिलेंगे? आगे बहुत प्यारी मेलोडीज़ आनी हैं। तुराज साहब के ही दो गाने, तो तुराज साहब के दो गाने और हैं अभी जो अभी सूट्स पे है, तो जल्द आ जाएंगे। और अच्छे इंडस्ट्री के लीड सिंगर्स ने गाने किए हैं, जावेद अली साहब का एक गाना है, सलमान अली का एक गाना है, तो आप सबका आशीर्वाद होगा, सभी का प्यार मिलेगा, तो गाने इंशाल्लाह सुपर हिट होंगे, सुपर हिट होंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा कि संजय लीला भंसाली जी के साथ काम किया आपने, तो उनके साथ काम करके कितना जो आपका कला है अंदर का वो कितना नरिश हुआ है अभी तक? यार देखिए वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत पैशनेट काम करते हैं, तो उनके साथ काम करके मेरे काम में भी पैशन आया है, और फिलहाल हम इस गाने की बात करेंगे, उनके साथ तो गाने आप उनके देखते रहते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने वहाँ सीखा उनसे और जो भी मेरे काम में कुछ जो है आगे बढ़ोतरी हुई है और वो अच्छा हुआ है, तो मैं वो बाकी लोगों के साथ भी कर सकूँ, इसलिए मैं करण जी के साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ और इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत कुछ सीखा है इन दिनों, और वो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें और लोगों तक आएँ, और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अच्छे म्यूज़िक को अप्रिशिएट करें, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, सबको करें लेकिन अच्छी चीज़ों को ज़्यादा। नहीं, लास्टली जानना चाहूँगा नाटो को जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिला हाल ही में, कितना बड़ा एक मतलब अचीवमेंट मानते हैं और आगे चल के कितना बेहतर होगा? क्योंकि कहीं भी किसी म्यूज़िक को अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आगे भी मिलता रहेगा, हमारे यहाँ म्यूज़िक कभी जो है वो ना ख़त्म हुआ है ना होगा, हमेशा हम लोग सब म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं और उनको मिला है तो बहुत खुशी की बात है, हम सब बहुत खुश हैं।